नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हेमंत सरकार के खिलाफ आए दिन राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, कभी बीजेपी तो कभी आजसू। इसी कड़ी में आज छात्र 60/40 नियोजन नीति के खिलाफ सड़कों पर नजर आए। दरअसल आज बड़ी संख्या में छात्र रांची की सड़कों पर निकले थे। विभिन्न जिलों से आए ये सभी छात्र सीएम आवास को घेरने निकले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर इन सभी छात्रों को रोक लिया। इसके बाद ये सभी छात्र कांके रोड पर ही धरने पर बैठ गए, लिहाजा सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। जाम लगने के बाद पुलिस हरकत में आई और छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस की लाठी चार्ज में कई छात्र घायल हुए। छात्र नियोजन और रोजगार के नाम पर लगातार आंदोलन कर रहे थे, ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। हम लोग इस रास्ते पर भेजा गया तो सरकार का यहाँ कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं खड़ा है? अगर आप हमें यहाँ रोक कर रहे हैं तो अब देखिए, लोग जिधर मन उधर अल्टरनेट रास्ते को खोजने पर लगे हुए। मुझे लगता है सरकार बहुत बैकफुट पर जा चुकी है, डरी हुई सरकार है। हमें लगता है सरकार नई रास्ते खोजने के लिए हमें मजबूर कर रही है। बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? कोई यहाँ अमीर का बच्चा नहीं है, सब गरीब का ही है। लेकिन हम सरकार से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 60/40 है, 60/40 का हम लोग नए रास्ते पर जाने पर मजबूर किया सरकार ने, हम लोग नए रास्ते चलाए। हम लोग नियोजन नीति 60/40 के विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सर। 60/40 सर, भारत में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है सर, लेकिन 8 राज्य में से एक भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें कि 60/40 ऐसी नियोजन नीति लागू की गई है। हेमंत सोरेन की जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तो हेमंत सोरेन ने घोषणा किए थे कि हम प्रत्येक साल युवाओं को 5,00,000 रोजगार देंगे और 1932 आधारित नियोजन नीति लागू करेंगे। इस सभी जनता को इसमें ठग करके और इसे सरकार बनाई है, और अभी सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रही है, और अब तक 3-4 साल हो गया सरकार को बनने में, अब तक कोई भी एक सक्सेसफुल नियोजन नीति नहीं बनाई है सर।